नमस्कार दोस्तों, एमपी लाइफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब लोग किशोर कुमार के फ़ैन हैं। हमने उनके तकरीबन सारे गाने सुने हुए हैं, बट उनके कुछ ऐसे गाने हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और उस गानों में किशोर दा ने इतनी मेहनत की हुई है कि जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये गाने उन्होंने किस तरीके से गाए होंगे। उन गानों पर डिस्कस करने के लिए और वो गाने आप तक पहुँचाने के लिए हमारे बीच में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सिंगर जो लगभग 5000 शोज़ कर चुके हैं, जिन्होंने अभी आने वाली फिल्म धुआ के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की है, वैभव केसकर जी। वैभव जी, वेलकम। थैंक यू अजय जी, नमस्कार। मेरे दर्शकों को, एमपी लाइव के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके साथ बैठ के फिर से आज मौका मिला है कुछ और अपने कुछ अलग से चीज़ें बताने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एमपी लाइव के साथ। थैंक यू। तो वैभव जी, पहले सबसे पहले किशोर दा का वो गाना जिसको गाते गाते उनको एक्चुअल हिचकी आ गई थी और फिर वो रिकॉर्ड हुआ, तो वो आप गा के भी सुनाइए और उसके बारे में जो पता हो आप बताइए हमारे दर्शकों को। माइक आपका है। दर्शकों को तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए ये कितना मतलब क्या प्रैक्टिस या कितनी रिहर्सल करके आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने वो गाना पूछ लिया मुझसे जो शायद हर कोई नहीं पूछ पाता और किसी को पता ही नहीं है। तो अजय जी की ये ख़ास बात है, इसे ही बोलते हैं खोजी पत्रकार। तो चलिए, आपकी मैं ये फरमाइश पूरी करता हूँ और कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये गाना ऐसा गाना है शायद कि जिसमें गाना बहुत टफ है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है वो। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ निभाने की, उस तक तो पहुँचना बड़ा मुश्किल है सर, वो लेवल ही अलग था। और जब जो किशोर कुमार कर गए वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको याद करने के लिए अपन एक छोटा सा तो है ना। और दर्शकों को बताऊँगा कि इसमें ओरिजिनल हिचकी आई थी किशोर कुमार साहब को, तो उन्होंने रोका नहीं उसको। आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी जाए। आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी जाए। डिरा टा डिरा टा डुलू टू डू डिरा टा डिरा 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 डिरा। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला इस झलक में दिल की दुनिया लूटे। पर जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी जाए। डिला टा डुलू टू डू डिला टा डिला टा डुलू टू डू डिला टा डिला 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 डिला
ये गीत था सर सही में गला देखिए आप तो फिर किशोर कुमार साहब का क्या हुआ होगा। मैं यही सोच रहा था जब आप गा रहे थे कि इतना डिफिकल्ट सॉन्ग जहाँ पे कहीं स्पेस ही नहीं है सांस लेने का, आप पता नहीं कैसे आपने किया ये, बहुत सरस्वती जी की कृपा है आप पे। अब अगला गाना जो बहुत रेयर है आप बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जो गाना रेयर है उस मतलब लोग सोचते हैं कि जो रैप सॉन्ग है वो अभी स्टार्ट हुए हैं। आपको बता दूँ रैप सॉन्ग किशोर कुमार जी बहुत पहले कर चुके थे और जो वर्डिंग्स उन्होंने इस गाने में यूज़ किए हैं वो वर्डिंग्स में लिरिक्स है ही नहीं, तो कैसे गाया होगा आप सोचिए। और उसमें क्या क्या डाल दिया उन्होंने, अपने मन से डाला, क्योंकि आरडी दादा ने बोला था, एसडी दादा ने दोनों ने बोला था कि दादा तुमको जो आता है वो उसमें गा दो, बस ये गाना हमको बिना लिरिक्स का चाहिए, तो गा गए।
तो वो गाना मैं पेश करना चाहूँगा और बहुत टिपिकल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं मुझे उस लेवल पे आका ना जाए और मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को दर्शकों तक पहुँचाने की कैसे कैसे गाने किशोर कुमार साहब ने गाए। तो प्लीज़ ये सोचिएगा कि वैभव गा रहे हैं, किशोर साहब के गाने तो हमारे बस की ही नहीं है सर, मैं गाने की सिर्फ निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए राम राम सिया राम सलाम बली कुम प्यार करो गुपचुप दूध पिया पुपचु ठन ठन फुर 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 ठन ठन फुर फुर हाउ डू यू डू काम चीकी चिकी चाम चीकी चिकी बाम चीकी चिकी चाम चीकी बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम 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 पढ़ के बोल बेटा बम 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 पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिकी बुम चिक बाप चिक बुम चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बाबा लोग सुनो ताका लोग सुनो बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो जल्दी जल्दी देख भाई इधर खाली है पिंजरा देख भाई इधर अरे खाली है पिंजरा पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर यही परिचय है राजा जाने का 16 साल दीवानी जवानी का और चल बेटा चल बेटा बम 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 चीकी चिकी चाम चीकी चिकी बम चीकी चिकी चाम चीकी बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम 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 पढ़ के बोल बेटा बम 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 पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बम बम चिक बम बम चिक 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 तो ये गाना था। दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई कि प्लेबैक सिंगर कोई ऐसे ही नहीं बनता है। आपने देखा वॉइस थ्रू और दो बैक टू बैक गाने इतने डिफिकल्ट, कुछ एडिट नहीं हो रहा ये वीडियो कहीं से भी, जो भी हो रहा है लाइव हम लोग शूट कर रहे हैं कहीं पे भी सिंगल कट नहीं है, कंटिन्यू बैक टू बैक दो ऐसे गाने। वैभव जी मतलब आज समझ में आया कि प्लेबैक सिंगर बनना मामूली बात नहीं होती है और आप तो बहुत बड़ी फिल्म के लिए गाना गा रहे हैं। सर 12 घंटे का शूटिंग था मेरा, 12 घंटे का रिकॉर्डिंग था और बॉम्बे में बहुत बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिंग था। बहुत जल्दी धुआ आपके सामने होगी और हिंदुस्तान के बहुत सारे जाने माने कलाकार, मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं और जिनके लिए मैंने जिनके म्यूज़िक डायरेक्शन में गाया है वो भी बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उनके साथ गाने का मौका मिला तो बहुत बड़ी बात है। सर प्लेबैक सिंगर बन गया मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम बताना चाहेंगे आप अभी इस स्टेज पे? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, इसका पहला जो हमारा प्रीमियर है वो दुबई से है सर और जिस मूवी एक्चुअली आपको पता होगा जैसे फॉक्स है हीरोज है इनके पास इनके राइट्स होते हैं तो इसके लिए हम लोग अभी ओपन नहीं कर सकते। हाँ मैं वो गाना क्या है वो आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ठीक है तो वो गाना गुनगुना दीजिए। जिस एक्टर के ऊपर ये फिल्माया गया है ये बेसिकली थीम सॉन्ग है मूवी का। धुआ 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 धुआ। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो जितना भी सुना है, आशा है ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा। वैभव जी अगला मेरा सवाल ये है आपसे कि सवाल क्या है मतलब मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेल फीमेल दोनों वॉइस में बहुत शानदार गाते हैं। हाँ, ये एक्चुअली एक इंसिडेंट है जी। मैं एक्चुअली शो कर रहा था सर्बियाना में ऑस्ट्रिया में और आपको पता होगा कि जब वहाँ शो करते हैं हम लोग तो कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि हम अलग से देश में होते हैं और ठंड बहुत काउंट करती है वहाँ तो कभी कभी गले जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं। तो हमारी जो फीमेल सिंगर हमारे साथ गई थी मुंबई की एक बहुत अच्छी कलाकार हैं
तो उनका गला बैठ गया। तो अब जो वहाँ महफिलें होती हैं तो उन्होंने बोला कि सर हमें तो ये गाना सुनना है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस गाने को अकेले ही गा जाऊँ। अब ये नहीं समझ में आया था कि अकेले गा जाऊँ मतलब वो फीमेल वॉइस भी मैं मेल में गाऊँ। तो मैंने कोशिश की थी और वो चीज़ ओपन हो गई। और आज मुझे जब भी मैं शोज़ में जाता हूँ तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो डुएट्स में हैं वो मेरे को गाने पड़ते हैं। तो चलिए कोशिश करता हूँ आपके दर्शकों के लिए। MpLive जो कहे वो कम है और MpLive के लिए मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरे अजय जी बहुत पुराने मित्र भी हैं। और मैं बार बार कहना चाहूँगा डिजिटल मीडिया के उभरते ही नहीं बन चुके खोजी पत्रकार और खोजी एंकर हैं ये, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और MpLive को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस गाने के साथ आगे बढ़ते हैं जी। आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है इस गाने में और अनिल कपूर जी और मनीषा कोइराला जी के ऊपर फिल्माया गया। आनंद भीगी भीगी ऋतु में तुम हम तुम हो चलते हैं चलते हैं। बसता है जल तरंग तीन की छत जो मोती जैसा जल बल से बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। बसता है जल तरंग तीन की छत जो मोती जैसा जल बरसे बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिम झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम भीगी भीगी ऋतु तुम हो चलते हैं चलते बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है सपनों की गांव में भीगी सी छांव में तो आत्माएं खोई हैं। बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है सपनों की गांव में भीगी सी छांव में तो आत्माएं खोई हैं। रिम झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम ला ला भीगी भीगी ऋतु में हाँ तुम हम तुम ओ चलते हैं चलते हैं। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। क्या क्या बात है वैभव जी, मतलब आप समझ में आता है कि इसके पीछे आपका कितना अथक प्रयास साधना और रियाज रहा होगा और बिना माँ सरस्वती के आशीर्वाद के तो ये गला मिलता नहीं है। अब मैं इस इंटरव्यू को लंबा ना खींचते हुए एक लास्ट किशोर दा का कोई रेयर सॉन्ग और उसके साथ फिर हम क्लोज करते हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे रेयर सॉन्ग्स हैं सर, कुछ गाने हैं ऐसे जो नॉर्मल होने के बाद भी लोग कम गाते हैं और मैं आपको एक गाना बताना चाहूँगा
कि ये गाना जो है शशि कपूर जी के ऊपर फिल्माया, आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है, साहिर लुधियानवी जी आग गले लग जा का ये गाना है और बहुत सुंदर गीत है। इसमें किशोर कुमार जी की आपको हुडलिंग अलग टाइप से देखने को मिलेगी। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन जानती हो। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन जानती हो। देखते रहिए MpLive, मैं वैभव प्लेबैक सिंगर इंटरनेशनल सिंगर आपके सामने हूँ और अजय जी के साथ। दम चुराया तुम जानो मैं क्या बताऊं, मुझ में ही कुछ ऐब होगा, क्यों तुम पे तोहमत लगाऊं, मैं तो यही कहूंगा, पूछोगी छोभी ना कोई। जाके भी पास रही तुम ही हो जान जहां, जाने मन जानती हो। दे गई हो एक खूबसूरत निशानी, लिपटा के सीने से उसको क्या जाएगी जिंदगानी, मैं तो यही कहूंगा, पूछोगी छापी जाके भी पास रही तुम ही ओ जान जा, जाने मन जानती हो। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही ओ जान जा, जाने मन जानती हो। थैंक यू वैभव जी, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे समय दिया। ये बड़े दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी अभी बॉम्बे से शूट करके आए और आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, संडे का दिन है, भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है कहीं, उस दौरान हम दोनों मिले, हमने बात करी और वैभव जी तैयार हुए कि वो कुछ ऐसे गाने जरूर गाएंगे जो किसी ने सुने ना होंगे। दूसरी बात बता दूं कि हमने यहाँ पे पूरी तरीके से साउंड प्रूफ करने के लिए फ़ैन ऑफ कर रखे थे, एयर कंडीशन ऑफ थे, हमको गर्मी बहुत लग रही थी, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुँचाना था तो वैभव जी और हम दोनों कंटिन्यू गर्मी में 10-12 मिनट आपके लिए वीडियो शूट कर रहे थे, बिना एडिट के ये वीडियो शूट हुआ है। इन्होंने लगातार बैक टू बैक मेल फीमेल वर्जन गाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी कसरत है गले की, मुझे नहीं समझ में आता है आप गायक लोग कैसे करते हैं ये। उसके बाद दो इतने टफ सॉन्ग, और उन्होंने वो पहला रैप सॉन्ग सुनाया, आज लोग मशहूर हो रहे हैं रैप गागा के, जब किशोर दा को ये बात बहुत पहली पता थी, एक्सपेरिमेंटल सिंगर थे वो, उन्होंने उस जमाने में वो रैप सॉन्ग गाया था और जो कभी आप तक नहीं आया।
आशा है ये सारे गाने आपको अच्छे लगेंगे। वैभव जी आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। बस दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये अनएडिटेड वर्जन है तो सुरों में कुछ अगर गड़बड़ी हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और ये कोशिश थी मेरी, मैं वो तो निभा ही नहीं सकता उनको तो, लेकिन बस कुछ दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश थी मेरी जी। और हम आगे भी वैभव जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी वो नई किसी फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग करेंगे या कुछ भी ऐसी रेयर इन्फॉर्मेशन आएंगी कुछ बड़े सिंगर्स के, वो गाने जो कभी आप तक नहीं आ पाए वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं एमपी लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल से। हाँ, मूड्स ऑफ किशोर जो आप बहुत जल्दी सुनेंगे भोपाल के दर्शकों के लिए, पहला ऐसा शायद भोपाल में बहुत बड़ा बड़े लेवल पे 40 पीस ऑर्केस्ट्रा होगा सर, और उसमें डिफरेंट मूड्स ऑफ किशोर के गाने हमारी संस्था द्वारा किए जाएंगे, तो मैं एमपी लाइव को जरूर चाहूंगा कि वो हमारा साथ दें। ये कहाँ पे इसका दिनांक और स्थान तय हुआ? लगभग फाइनल है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा चर्चा चल रही है, क्योंकि किशोर कुमार साहब चूंकि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो बस डेट आपके सामने विद इन 5 डेज आपको सोशल मीडिया पे और एमपी लाइव के थ्रू आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत एक और खुशखबरी है कि डिफरेंट मूड ऑफ किशोर कुमार होने जा रहा है भोपाल से, जिसमें 40 म्यूजिशियन एक साथ शिरकत करेंगे और वैभव जी उसमें फिर आपके सामने होंगे। उस प्रोग्राम को हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक लाइव पहुंचाएं, हम पूरे शो को भी कवर करेंगे। सारी जानकारी उस प्रोग्राम से रिलेटेड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। इनकी अगली फिल्म जिसमें ये प्लेबैक सिंगिंग करने वाले हैं और जो कर चुके हैं उनकी जानकारी भी मैं दूंगा, धुआं फिल्म है, और बाकी जानकारी अभी दे नहीं सकते हैं, कॉपीराइट्स इशू है। आप देख रहे हैं एमपी लाइव, भोपाल से कैमरा पर्सन आयुष मिश्रा के साथ मैं जय सिसोदिया।